बेटे को पूंजी समझा जाता है। हमारे समाज में कई कारणों से बेटों को परिवार की पूंजी माना जाता है। एक तो ये समझा जाता है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं, यदि परिवार में सिर्फ बेटियां हों तो वंश ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि बेटे परिवार की धन संपत्ति को बढ़ाते हैं। बेटों का होना एक व्यापारी या जमींदार परिवार के लिए और भी ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बेटे के होने से परिवार की संपत्ति परिवार में रहती है। एक बेटा ही होता है जो पिता को मर्द होने का एहसास दिलाता है और बुढ़ापे में उसका सहारा बनता है। हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और अगर बेटा नहीं होगा तो सारी ज़मीन मेरी बहन के बेटों को मिल जाएगी कि जमींदार साइड लेट दोनों साइड अरुति नैया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुराने रीति रिवाजों की वजह से ऐसा माना जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी बेटे की होती है। ज़्यादातर माँ बाप अपनी शादीशुदा बेटी के साथ रहना नहीं चाहते, यहाँ तक कि कई माँ बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, मानते कि बेटी दूसरे परिवार के सदस्य हो गई है। बेटा होने के कुछ और भी फायदे माने जाते हैं। जब माँ बाप की मृत्यु होती है तब बेटा ही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार और उससे जुड़े अन्य क्रियाक्रम करता है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर अंतिम संस्कार बेटे के हाथों न हो तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऐसा भी विचार है कि बेटा ही परिवार की रक्षा करता है और परिवार की ताकत बनता है। परंपरागत तौर से कुछ क्षत्रिय जातियाँ में बटे ताकत की और शान को पहचान माने जाते थे, जबकि बेटियाँ परिवार की कमजोरी की पहचान मानी जाती थी। देखा जाए तो सिर्फ आदमी ही नहीं, ज़्यादातर औरतें भी बेटा ही चाहती हैं। इन सब कारणों के अलावा इसका एक और कारण है, जब बेटे की शादी होती है सास के रूप में औरत की हैसियत बढ़ जाती है। हम बेटियों को बहुत समझा जाता है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।